गाइस मैं वर्ष और आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और गाइस आज हमारे पास है होंडा की CD110 एक्स शोरूम। आपको ये 69,706 रुपीज़ की मिल जाएगी। ये होंडा की तरफ से आती है जो कि सबसे छोटे इंजन और काफ़ी कम प्राइस के साथ ये बाइक आती है। ये कि प्रॉपर कम्यूटर बाइक है, आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, आपकी रनिंग ज़्यादा है, तो ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी इस वीडियो में हर चीज़ अपन डिटेल डिस्कस करने वाले इस गाड़ी के बारे में। बाकी गाड़ी आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, मैंने आपको वॉकराउंड दी है। गाड़ी जो है दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और इस गाड़ी जो लेंथ है, सीट लेंथ वगैरह है, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। गाड़ी का जो सेटिंग पोस्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी अपना जाते हैं डायरेक्ट गाड़ी पे, तो इसमें फ्रंट वाइजर आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, सिंगल वाइजर लगा हुआ है, कट पार्ट्स में अलग से चीज़ें नहीं लगी हुई, जिसकी वजह से जो गाड़ी है ना, अगर पार्ट ढीले भी हो जाते तो खटपट की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। बाकी आपको हेडलाइट सेटअप पूरा हैलोजन मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर पूरा हैलोजन मिल जाता है। इसमें आपको चार कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि फिलहाल आ रहे हैं। अभी एक गाड़ी, दो गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ। गाड़ी जो है दिखने में अलग से काफ़ी ज़्यादा सही लगती, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर भी लगती फ्रंट से। बाकी जो गाड़ी में है बिल्कुल जो फिट एंड फिनिश है वो बहुत अच्छी है। आपको इसमें रबराइज से बिल्कुल कसे हुए पैनल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। मडगार्ड वगैरह आप देख सकते हो, आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको 80/118 का टायर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी की जो ब्रेकिंग है वो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है। अगर आप रियर वाला अप्लाई करते हो, पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करते हो, तो आगे वाला भी ब्रेक अप्लाई होता है। और इसमें आपको मीटर कंसोल वगैरह आपको दिखा रहे थे, तो मीटर कंसोल जो है पूरा ही आपको एनालॉग वाला देखने को मिलता है। और जो गाड़ी है ना, ये आपको एकदम सिंपल सोबर सी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने मिल जाती है। मीटर कंसोल बिल्कुल एकदम नॉर्मल सा एनालॉग वाला देखने को मिल जाता है। जैसे अपन इसका वो चालू कर देते हैं मीटर कंसोल, तो आप इसमें देख सकते हो अंदर से लाइट ग्लो हो चुकी है, और पूरी जो है पूरा हैलोजन सेटअप के साथ आती है। बाकी इसमें न्यूट्रल की लाइट अलग से लगी हुई है। और इसमें आपको साइड स्टैंड, इंजन कट वगैरह हर चीज़ अब देखने को मिल जाता है। अभी जैसे ही अपन इग्निशन चालू करते हैं, जैसे इसमें बटन चालू करते हैं, तो भैया इसकी हेडलाइट हो गई और जो टेल लाइट हो गई, दोनों ही चालू हो जाती है, जो कि अब स्टैंडर्ड हो चुका है हर गाड़ियों में। अगर ये नहीं चालू होती तो इसमें DRL लगाना एकदम कंपलसरी हो चुका है। बाकी अपन बंद कर देते हैं इसको। और इसमें आपको फ्यूल इंजेक्शन लाइट हो गई, टर्न इंडिकेटर हो गया, पास लाइट वगैरह का ऑप्शन इसमें अलग से लाइट वगैरह देखने को मिल जाती है। बाकी आपको इसमें फ्यूल बता देती है, गाड़ी कितनी चल चुकी है, ट्रिप मीटर बता देगी और ओडोमीटर बता देती है, तो ये काफ़ी सही चीज़ है। इसमें आप ट्रिप वगैरह सेट नहीं कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें ना ये मल्टी फंक्शन की होंडा वाले हर गाड़ियों में यूज़ कर रहे हैं, मतलब पास लाइट हो गई, अपर डिपर आप इसी से कर सकते हो, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा सही लगती है। बाकी स्विचेस की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सही लगती है, बारिश वारिश में कुछ भी ख़राब होने की बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी आपको इसमें एक में पूरा मल्टी फंक्शन वाली की देखने को मिल जाती है, जिससे कि आप स्टार्ट भी कर सकते हो, इसमें इंजन का स्विच वगैरह भी मिल जाता है। इसमें आपको 9.1 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। गाड़ी जो है 112 किलो की गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक वगैरह की जो बिल्ड है वो ठीक ठाक ही आपको देखने को मिल जाती है। बाकी जो इसमें स्टिकरिंग वगैरह की गई है वो ज़्यादा अच्छी मेरे को लगती है। होंडा पूरा आपको एकदम नॉर्मल लगा हुआ, पूरा स्टिकर लगा हुआ, जो इसमें स्टिकरिंग है ना टैंक के स्टार्ट से जाती हुई ना, एकदम जो पीछे वाला पैनल है ना उसके एकदम एंड तक जाती है, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर लगती है। बाकी आपको इसमें 109 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 8.79 पीएस की पावर निकल के देगा और 9.30 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क निकाल कर देगा। और ये पूरा ही आपको एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है, तो हीटिंग वीटिंग का इशू नहीं होता। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे जो एक कैटेलेटिक कन्वर्टर लगा हुआ है ना, तो गाड़ी अगर आप एकदम हाई स्पीड पे चलाते हो ना, और अगर इंजन थोड़ा ज़्यादा ऐसे हीट होता है, तो आपके थोड़ा सा गर्मी जो है पैर पे आती है। बाकी जो है इंजन में ओवरहीट की बिल्कुल इशू नहीं है, एकदम परफेक्टली फाइन चलता, बहुत अच्छी पावर पिकअप निकाल के देगा। ESP टेक्नोलॉजी इसमें आ चुकी है, तो गाड़ी की जो है स्मूथनेस और भी ज़्यादा पहले से तो बढ़ चुकी है। बाकी इसमें CD110 डिलक्स कुछ ऐसा लिखा हुआ है। स्टिकरिंग में आपको दिखाता हूँ, देखो एकदम जो एकदम टैंक के स्टार्ट से ना, वहाँ से एकदम स्टार्ट होती है और एकदम एंड तक जाती है। ये देखो मैंने आपको दिखा दी थी, वो कि बहुत ज़्यादा सही लगती है देखने में। और मेरे हिसाब से तो जो स्टार्टिंग वाले मॉडल्स हैं उनमें इतनी सारी चीज़ें करके देने, इतने अच्छे देने, ये काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। CVT कुशनिंग पहले से बहुत बेटर हो चुकी, जितनी भी होंडा की गाड़ियाँ आ रही है पहले से ज़्यादा बेटर हो चुकी इनकी CVT कुशनिंग वगैरह। साइलेंसर आपको बिल्कुल नॉर्मल सा देखने मिल जाता है, काफ़ी ऐसे एलोंगेटेड सा नहीं मिलता, एकदम परफेक्ट साइज़ का साइलेंसर है। रियर में आपको जो है दो सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। रियर में भी आपको 80/118 का ही टायर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो ब्रेक्स हैं आपको ठीक ठाक की लगे हुए मिल जाते हैं, मतलब जो ब्रेक्स वगैरह मारते हो थोड़ा सा स्किड की प्रॉब्लम होती है। बाकी जो है पतले टायर होने की वजह से गाड़ी जो है माइलेज बहुत ज़्यादा अच्छा निकाल के दे देती है आपको। 65 प्लस का एवरेज निकाल के दे देती है सिटी राइड में। हाईवे में तो आपको अराउंड 70 का आराम से दे देगी, अगर आप एकदम प्रॉपर इकोनॉमी में अगर आप गाड़ी चलाते हो, 60 के एकदम नीचे चलाते हो। तो पीछे से गाड़ी आपको दिखा देता हूँ, इसका ग्रैबरल आप देखोगे तो पूरा आपको मेटल का देखने को मिल जाता है, तो ये मल्टीपर्पज़ वाला एकदम ग्रैबरल है। अगर आपको कोई चीज़ें रखनी, इसमें कोई सामान वामान रखना है, तो वो भी रख सकते हो बिल्कुल हल्का सा, 3 से 5 किलो के बीच में रख सकते हो।
और यहाँ पे आपको की होल प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप इस गाड़ी की सीट वगैरह ओपन कर सकते हो। तो अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ तो आपको कलर ऑप्शन वगैरह काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। लुक वाइज जो है गाड़ी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। फीचर जो है इसमें ठीक ठाक ही आपको स्पीड बता देती है, लो फ्यूल इंडिकेटर वगैरह इसमें लगाई हुई है, मतलब जो अपना मैनुअली हर चीज़ बता देती है कि आपका फ्यूल वगैरह कम हो रहा है। कंफर्ट इस गाड़ी में ठीक ठाक आपको देखने मिल जाता है। जो सस्पेंशन है चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो, फ्रंट वाला काफ़ी अच्छा है लेकिन जो रियर वाला थोड़ा सा स्टिफर साइड पे, लेकिन जो सीट ही कुछ नहीं है ना वो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो उसकी वजह से जो आपकी राइड है एकदम बैलेंस हो जाती है, कंफर्टेबल राइड हो जाती है। लेकिन जब अगर आप बहुत बड़े पॉट होल में जाओगे तो वो चीज़ तो आपको बिल्कुल फील होने वाली। इंजन इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा रिलायबल है, हेडलाइट थ्रो 110cc सेगमेंट में इस गाड़ी की जो हैलोजन सेटअप के साथ आती है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी आपको हेडलाइट थ्रो वगैरह निकाल कर देगी। बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की आपको ठीक ठाक ही देखने को मिल जाती है। जो मेटल पार्ट्स वगैरह लगे हुए हैं ना वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो टैंक हो गया और जो साइड पैनल्स वगैरह इनकी जो थोड़ी सी जो फिट एंड फिनिश हो गई और जो टैंक है वो थोड़ा उसका मैं बोल सकता हूँ थोड़ी सी जो क्वालिटी उनकी थोड़ी सी लैक करती हुई मेरे को दिखी। बाकी इस गाड़ी का जो पिकअप है एंड पावर है भैया वो लाजवाब है। परफॉर्मेंस गाड़ी बहुत अच्छी निकाल के देगी। टॉप एंड पे थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको फील होने वाला है। प्राइस की मैंने आप प्राइस वगैरह तो मैंने आपको बता ही दी है। गाड़ी के जो ब्रेक्स वगैरह है वो काफ़ी अच्छे लग जाते हैं। फ्रंट में आपको CBS वगैरह देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ब्रेक जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से जहाँ ब्रेक मारोगे वहीं पर गाड़ी खड़ी हो जाती है। ये सब चीज़ें इस गाड़ी के बारे में। तो अगर आप इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हो तो पहले जा करके देखो, चला करके देखो, फिर डिसाइड करो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो यार अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक चीज़ और है, ये जो गाड़ी है प्रॉपर कम्यूटर बाइक है। तो अगर आप एक ऐसी गाड़ी देख रहे हो जो कि आपको अच्छा माइलेज निकाल के दे दे, आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा, माइलेज अच्छा चाहिए, सीटिंग पोस्चर अच्छा चाहिए, हेडलाइट थोड़ा अच्छा चाहिए, तो इस गाड़ी की तरफ आप बिल्कुल जा सकते हो। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।